फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको कौन कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए मॉनसून सीजन में, अपने बच्चे को नहीं देने चाहिए वो फूड्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, वो वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या फूड्स अपने बच्चे को खिलाने चाहिए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका स्ट्रांग होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बारिश के सीज़न में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, खाने को पचाना उतना आसान नहीं होता जैसे कि बाकी के वेदर्स में होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या खाते हैं मॉनसून सीज़न में। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है वो मॉनसून सीज़न में बीमार पड़ते हैं रादर देन किसी और वेदर में। इसलिए डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल हेल्थ में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ वेजिटेबल्स बताई थी जो कि आपको मॉनसून में अवॉइड करनी चाहिए, यहाँ भी मैं आपके लिए कुछ वेजिटेबल्स लेके आई हूँ जो कि आपको मॉनसून में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपने बच्चे की डाइट में, जिनमें से सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है करेला। आई नो कि करेला बच्चों को नहीं पसंद होता, बट आप इसका कुछ रेसिपी बनाइए, एटलीस्ट ऐसा रेसिपी बना दीजिए जो कि बच्चे खा पाएँ। आपको बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ ना कुछ अच्छी रेसिपी जो है वो करेले की लेके आ सकती हूँ जिससे कि आपका बच्चा एटलीस्ट थोड़ा उसको खा सके। आपको कैसे भी बच्चे को जो करेले की सब्ज़ी या करेले का कोई भी डिश आपको बच्चे को ज़रूर खिलाना है। करेले में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल और भी बहुत सारी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। मतलब कि अगर हम बीमार पड़ रहे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी ठीक कर देती है या हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जिससे कि हम बहुत जल्दी बीमार ना पड़ें। इसलिए करेला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कैसे भी करके बच्चों के एक मील में करेले का कोई भी डिश ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा करेला नहीं खाएगा एट एनी कॉस्ट, देन यू कैन हैव सम लौकी। लौकी बहुत अच्छा रहता है, लौकी आप दे सकते हैं बच्चे को, तुरई आप दे सकते हैं, टिंडा आप दे सकते हैं। ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं, एक वीडियो मेरी आने वाली है इस वीक के बाद, ये मॉनसून वीक के बाद में मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं आप बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को सारी सब्जियाँ कैसे खिला सकते हैं आराम से। मेरी डॉटर 1 साल की है और वो सारी सब्जियाँ खाती है, तो आप उस तरीके से आराम से अपने बच्चों को सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो ये मैंने आपको 4 सब्जियाँ बताई, इन 4 सब्जियों को आप रोटेट करते रहिए और हर दिन इन 4ों में से कोई ना कोई एक वेजिटेबल आपके बच्चे की डाइट में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में गार्लिक जरूर इंक्लूड करें, गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। गार्लिक में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें बीमार नहीं पड़ने देती हैं, जो कि अगर कोई इन्फेक्शन है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से गार्लिक को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, दाल को फ्राई करने में आप डाल सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल में डाल सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं। बहुत तरीके से आप गार्लिक को यूज़ कर सकते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप टर्मरिक ज़रूर इंक्लूड करें बच्चे की डाइट में। अब टर्मरिक तो वैसे भी अगर आप सब्जियों में, हमारी जो इंडियन डाइट है वो इतनी अच्छी है, अगर हम रिलीजियसली अपने इंडियन डाइट को ही फॉलो करें तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि टर्मरिक में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सबसे अच्छा सोर्स है। अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को है तो उसको टर्मरिक ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और बारिशों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। टर्मरिक हम सब्ज़ी में डाल रहे हैं बच्चे को, हम वो खिला सकते हैं। उसके अलावा रात को सोते वक्त एक छोटा सा चुटकी भर हल्दी जो है वो बच्चे के दूध में दे दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ 1 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क में हल्दी डालिए, लेकिन अगर आप काऊ का यूज़ करते हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है, बफेलो वगैरह का दूध पीता है आराम से, तो आप उसमें एक पिंच हल्दी ज़रूर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको दाल ज़रूर इंक्लूड करनी है। दाल जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। दाल आपको हर वेदर में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। 1 कटोरी दाल इज़ वेरी मस्ट फॉर योर चाइल्ड, और आप सभी को 1 कटोरी दाल ज़रूर पीना चाहिए। चाहे आप वो लंच में लीजिए, चाहे आप उसको डिनर में लीजिए, चाहे आप उसको एज ए स्नैक, आप उसका दाल का सूप बना के भी इवनिंग स्नैक में बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से दाल आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है। अब हमने दाल सूप की बात की है, तो लेट्स टॉक अबाउट दी वेजिटेबल सूप। सूप्स बहुत अच्छे रहते हैं बारिशों के सीज़न में, तो आप चाहे टमाटो सूप दे सकते हैं, चाहे आप मिक्स वेज सूप दे सकते हैं, चाहे आप कॉर्न सूप दे सकते हैं,
बहुत सारे वेराइटीज के सूप होते हैं, आप कोई भी सूप बच्चे को जरूर दीजिए। आप थोड़े से चेंज करते रहिए जिससे कि बच्चे का टेस्ट चेंज होता रहेगा, बच्चे को सूप जो है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आप रोटेट करके सूप बच्चे को जरूर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स आपको जरूर 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 इंक्लूड करने हैं। ड्राई फ्रूट से बहुत ज्यादा बच्चों को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है उनके शरीर को, कि जिससे कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। बीमार हैं तो बहुत जल्दी उनकी बॉडी रिकवर कर जाती है, खुद से हीलिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं बॉडी की वो इन्हेंस होती हैं अगर हम ड्राई फ्रूट्स और सीड्स अपने बच्चे को देते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप डेफिनेटली सीड्स अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप पम्पकिन सीड्स वगैरह को सोक करके दे सकते हैं, आप चिया सीड्स को सोक करके दे सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्स हैं ओमेगा 3 के। तो बहुत सारे डिफरेंट सीड्स हैं। और वैसे भी अगेन हमारी इंडियन डाइट में बहुत अच्छा वे है कुकिंग का, हम लोग जीरा यूज़ करते हैं, वो भी एक सीड होता है। हम लोग मेथी यूज़ करते हैं, मेथी भी एक सीड है। ये ज़रूर आपको अपने बच्चे के खाने पकाने की प्रोसेस में ये यूज़ करनी चाहिए। अजवाइन हो गया, ये सारी सीड्स आपको बच्चे के खाना पकाते वक्त ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। बारिशों में हो सके तो आप तुलसी ज़रूर इंक्लूड करिए, तुलसी बहुत 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 अच्छी होती है बारिशों की सीज़न में, स्पेशली सर्दियों में भी तुलसी के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों से बचा सकते हैं बीमार होने से। वहीं तुलसी के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बारिशों में बचा सकते हैं बीमार होने से। तुलसी को आप चाहें तो बच्चे के दूध में, जब आप सुबह का बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब आप उसको दूध को बॉईल करते वक्त आप तुलसी के थोड़े से पत्ते डाल के उसमें बॉईल करके बच्चे को वो दूध पिला सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा एक काढ़ा बना सकते हैं बच्चे के लिए, जिससे कि अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि बच्चे को कोल्ड एंड कफ वगैरह है तो आप वो काढ़ा बना के पिला सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट्स आते हैं कि हमें उस काढ़े की रेसिपी चाहिए, देन डेफिनेटली मैं उस काढ़े की रेसिपी जल्दी से बना दूंगी। तो वो काढ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है स्पेशली बारिश के सीजन में। वहीं नीम आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नीम आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चे को जब नहलाने जा रहे हैं उसे थोड़ी देर पहले 1 लीटर पानी में आप 10 से 12 नीम के पत्तों को अच्छे से बॉयल कर लीजिए, फिर बच्चे के नहाने के पानी में उसको मिक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप बकेट में ठंडा पानी भी ऐड कर लीजिए, जिससे कि जो नहलाने लाइक टेम्परेचर हो जाए पानी का। और जो नहलाने लाइक टेम्परेचर, उस टॉपिक के लिए आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, आई कार्ड में ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उस पानी को बच्चे के नहाने लाइक उतना टेम्परेचर पे कर ले, उस पानी से बच्चे को नहलाएं। तो बॉडी में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे की स्किन पे या कुछ ऐसा रैशेज वगैरह हो रहा है तो उससे बच्चे को काफी हेल्प मिलेगी। तो नीम आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रूट्स आपको कौन कौन से देने हैं बच्चे को, अगेन मैं यहाँ यही बोलूंगी कि बारिशों के सीजन में आपको खट्टे फ्रूट्स नहीं देने, क्योंकि जो खट्टे फ्रूट्स या खट्टा खाना या खट्टे अचार या कुछ भी ऐसा होता है वो थ्रोट में काफी ज्यादा सोर करते हैं थ्रोट को। तो इसलिए मैं कहूंगी कि इट इज बेस्ट टू अवॉइड दोज फ्रूट्स। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैं फ्रूट्स आपको बताने वाली हूँ, ये फ्रूट्स ना तो खट्टे हैं लेकिन इनमें विटामिन सी भरपूर है। आप दे सकते हैं बच्चों को अनार, अनार में बहुत बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। आप दे सकते हैं बच्चों को एप्पल, एप्पल के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने का ही हुआ है और आप सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए कैसे खाना बनाए तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, ऊपर आई कार्ड में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आपको एप्पल जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने के बच्चे के लिए आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं बच्चे को खिलाने के लिए। तो आप एप्पल प्यूरी या फिर आप पियर प्यूरी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं आप बच्चे को, और आप दे सकते हैं बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो कि आप साल के किसी भी महीने में दे सकते हैं। सो यस, दीज आर दी बेस्ट फ्रूट इन मॉनसून सीजन। आप इन फ्रूट्स को बेझिझक होकर अपने बच्चों को दे सकते, ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है बारिशों के सीजन में उसको बूस्ट करते हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज़ का, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, इस हफ्ते मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ मॉनसून सीज़न के बारे में कि मॉनसून सीज़न में आपको अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि वो वाले फूड्स एंड फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाने हैं बच्चों को, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो या आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।